बीजेपी ने अपने हरमो स्थित कार्यालय में गौरव दिवस मनाने साथ ही पंचायत चुनाव को लेकर एक अहम बैठक की। इस मौके पर मुख्य रूप से झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, साथ ही दीप प्रज्वलित कर बैठक का शुभ आरंभ हुआ। कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। 15 नवंबर को होने वाले कार्यक्रम के बारे में प्रदेश महामंत्री ने मीडिया को खास जानकारी दी। आइए सुनते हैं। शामिल राजनीतिक दल हैं, उन्हें पता है कि पिछले 2 वर्षों के उनके शासन में जनता का विश्वास उनसे उठ चुका है। वो बुरी तरीके से डरे हुए हैं कि उन राजनीतिक दलों से जिनका शासन है जुड़े हुए कार्यकर्ता जब चुनाव में जाएंगे तो जनता उन्हें नकार देगी, इस भय से वो चुनाव टाल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि सरकार को तुरंत निर्णय लेना चाहिए और जल्द से जल्द नगर निकाय के चुनाव और पंचायतों के चुनाव, त्रिस्तरीय चुनाव तुरंत कराने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के और भी विभिन्न संगठनात्मक विषय पर चर्चा हुई। हमारे जिलों की कमेटियां, मंडल की कमेटियां, शक्ति केंद्र की कमेटियां बन चुकी हैं। हम आगे बूथ समितियों का पुनर्निर्माण करने वाले हैं, फिर उसके बाद पन्ना प्रमुख हम बनाने वाले हैं। इन सारे विषय पे हमारी डिटेल में आज चर्चा हुई और उसकी कार्य योजना बनी। जैसे बूथ कमेटी और पन्ना प्रमुख वाला, वो क्या कब तक उसका तो टाइम दिया हुआ है केंद्र की ओर से? अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पे होता है। अपने यहाँ ये सारे कार्यक्रम बूथ समिति और ये पन्ना प्रमुख वगैरह बनाने का काम दिसंबर माह के अंत तक हम पूरा करने वाले हैं। इसके लिए आज डिटेल कार्य योजना बना करके सभी जिलाध्यक्षों के साथ चर्चा करके इसकी योजना बना ली गई है। इसी बीच में हम जिला स्तरीय प्रशिक्षण के कार्यक्रम करने वाले हैं। ये 3 दिवसीय कार्यक्रम होंगे जिसमें 2 रात्रि विश्राम के साथ जिला कार्य समिति के लोग और जिला के प्रमुख कार्यकर्ता कुल 15 सत्रों का प्रशिक्षण लेंगे और साथ में हम बूथ समिति बनाने का और पन्ना प्रमुख बनाने का भी काम करेंगे। दिसंबर माह में सारा काम हम पूरा कर लेंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नेटवर्क, जनता के लिए जनता के साथ।